रुकपत सिंह, एक आप जो कहिएगा वो जो कहना चाहते कहिएगा, एक प्रश्न है मेरे जहन में। मान ये 100% मान लेते हैं कि सेंगोल राजतंत्र की व्यवस्था का से निकला हुआ, उसका उद्भव वहां से हुआ, ये कौन सी किताब में लिखा है? मैंने तो अभी तक वो किताब नहीं पढ़ी कि राजतंत्र की चीजें जो भारत के मान सम्मान स्वाभिमान आत्मसम्मान की प्रतीक रही किसी कालखंड में, उनको डब्बे में बंद कर दिया जाएगा, जमीन खोद के गाड़ दिया जाएगा? किसने ऐसा कहा? दुनिया में कहीं ऐसा हुआ क्या? अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबिल पर हाथ रख के शपथ लेता है राष्ट्रपति पद की? अमेरिका कम्युनल हो गया? आलोक जी देखिए, अमिताभ जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था तभी बताऊं को ये राजशाही की बात कर रहे थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो अभी समारोह हुआ जिसमें उन्होंने मात्र उसका इनॉग्रेशन किया, बनवाया और इनॉग्रेशन किया। राजतंत्र की बात सपा के और कांग्रेस के मुंह से तो शोभा नहीं देती है। राजतंत्र किसको कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी का राज। कांग्रेस 6 पीढ़ियों से राज कर रही है और ये लोग पिछलग्गू बनकर घूम रहे हैं। समाजवादी 2 पीढ़ी से पिछलग्गू बनकर घूम रही है। समाजवाद के किस पृष्ठ पर अंकित है कि लोग समाजवाद में किस पृष्ठ पर अंकित है कि बाप के बाद बेटे को तुम अध्यक्ष बना के उसके पीछे पीछे घूमो? तो राजतंत्र की बात ये इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। और रही बात सिंगोल की, तो सिंगोल जरूर एक चोला डायनेस्टी का था, लेकिन वो किस चीज के लिए था? वो प्रतीक था सम्मानजनक रूप से समाज में सेवा करने का, एक इंगित करने वाली एक चीज थी। उसको लाकर, क्योंकि वो हिंदू धर्म से संबंधित था, तो उसको हिंदू रीति रिवाज से उसका जो भी है उसमें प्राण थूक के या जो भी करके उसको वहां स्थापित किया गया है। अन्यथा वहां 14 धर्म गुरु मौजूद थे जिन्होंने अपने धर्मों का उच्चारण करके उस जगह को सुसंस्कारित करने का काम किया। तो ये क्या उंगली उठा रहे हैं जी? ठीक ठीक बात आलोक जी, आलोक जी ने एक बड़ी बात कही है जिसका इशारा मैंने शुरुआत में किया था। त्रिपाठी जी, राजतंत्र का आप तो खुद गुरु हैं, आप तो पढ़ाते ही हैं कंपटीशन वाले बच्चों को, राजतंत्र की बेसिक बुनियाद क्या, बेसिक शर्त क्या है, पात्रता क्या है? राजतंत्र किसको कहेंगे जिसमें गर्व से उत्तराधिकार तय हो जाए? क्या बाबा बाबा के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा या बेटी, और चलता रहे, यही है ना? तो उस परिभाषा पर तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं अमिताभ, राजतंत्र की जो परिभाषा आप दे रहे हैं वो लोकतंत्र में कहीं भी कांग्रेस के इतिहास में आपको नहीं दिखाई देगी। अगर जो आप देखेंगे कि चुने हुए प्रतिनिधि के मोतीलाल जी, मोतीलाल जी के बाद जवाहरलाल जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी रहे नहीं, नहीं तो वो भी होते नहीं। अगर जो पार्टी चुनती है, अभी इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या राहुल गांधी जी हैं? अरे भाई, जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, आप किस आधार पर ये पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप मरोड़ के अलग कर सकते हैं। अमिताभ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुझसे आपने प्रश्न आपके आनंद जी लगातार राहुल गांधी के सामने उनकी क्या औकात है, थोड़ा सा सुनने का समय मिले तो मैं भी इन चीजों को स्पष्ट कर दूं। लोकतंत्र की एक ही परिभाषा है, चुने हुए प्रतिनिधि, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कॉन्सेप्ट है और वो कांग्रेस में लागू है, इसलिए कांग्रेस लोकतंत्र की पूरी तरह से समर्थक है, लोकतंत्र में जीतेगी। राजतंत्र का जो तरीका है कि कुछ ऐसे प्रतीक लाए जाते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह लाए जाते हैं जिनके माध्यम से उसे दिखाया जाता है, उस पर किशनी पांडे जी ने कहा कि सिंगल राजतंत्र का या सत्ता के स्थानांतरण का प्रतीक है। तो कौन सी कल सत्ता स्थानांतरण हो रही? संसद भवन नया बना है कि सत्ता का स्थानांतरण हो रहा है, किससे किसकी ओर स्थानांतरण हो रहा है? दरअसल कुछ संवैधानिक प्रतीकों को छोटा करना, मैं कह रहा हूं अवमूल्यन करना, और कुछ प्रतीकों को लाकर जिनकी कोई जरूरत नहीं उनको खड़ा करना। ठीक है, अभी एक प्रश्न, आप एक लाइन जोड़ दूं, अभी आपने कहा था 24 का चुनाव इन मुद्दों पर होगा। मैं आपसे पूरी
संजीदगी से बता रहा हूं, इन मुद्दों पर नहीं होगा। 24 का चुनाव महंगाई पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, बेकारी पर होगा, पुरानी पेंशन पर होगा, और जिस तरह की अभी अर्थव्यवस्था चल रही है देश की, ठीक है भाई, आज 2000 का नोट बंद हो रहा है, इन सब मुद्दों पे ठीक ठीक है भाई ठीक। वो तो खैर हम देखेंगे और आप भी देखेंगे। एक बात जोड़ के कीर्ति भाई के पास आऊंगा कि ताकि जनता को भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो, उसको भी मेमोरी रिफ्रेश हो। पंडित जी ने फैसला किया, जवाहरलाल जी ने अभी कल ही उनकी वो था 27 तारीख को उनका प्राणांत हुआ था और दिवंगत हुए थे पंडित जी, और 28 को उनको उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो मुझे याद आ गया, त्रिपाठी जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि लोकतंत्र कांग्रेस के नसों में प्रवाहित है। ठीक, हो सकता है उनकी राय अच्छी है, मैं उनकी राय का खंडन नहीं करता, मैं किसी की राय का खंडन नहीं करता, मैं अपनी बात कहता हूँ। कीर्तनी जी, आपके लिए बड़ा रोचक प्रसंग है कि पंडित जी ने फैसला किया कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे। उस वक्त इंदिरा गांधी की एक्सपोजर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जवाहरलाल जी बहुत बड़े आदमी थे, इसमें कोई शक ही नहीं, पार्टी के भीतर तो बहुत, क्या देश के भीतर। तो सबने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बनाओ, इंदिरा से अच्छा कोई नहीं। क्या ये वैसे ही था जैसे देवकांत बरुआ टाइप के लोग बाद में कहने लगे इंदिरा जी इंडिया इंडिया जी इंदिरा, तो संवेद स्वर में सब चिल्लाने लगे इंदिरा को बनाओ इंदिरा को बनाओ। महावीर त्यागी ने एक चिट्ठी लिखी जवाहरलाल जी को, क्या, और उन्होंने कहा कि ये लोग आपकी आंखों मोतियाबिंद कर दिए हैं जवाहरलाल जी, क्या इंदिरा को मत बनाइए, पिता और पुत्री मिलके सब चलाएंगे, क्या ये ठीक नहीं है देश के लिए, उस दौर में कहा था। राजतंत्र का मतलब ये होता है। खैर, कीर्तिनिधि पांडे जी बता रहे हैं अशो आलोक वत्स जी कि 12 या 16 कितने धर्माचार्य वहां अलग अलग धर्मों को का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूद थे, फिर क्या समस्या है? देखिए अमिताभ जी जी, ए आलोक बस साहब जी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, किसी चैनल पे प्रवक्ता के रूप में बैठते, किसी चैनल पे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठते, ठीक है ठीक है। और आपसे मेरा एक अनुरोध भी है कि कम से कम राजनीतिक विश्लेषक निष्पक्ष, ठीक ठीक, वरिष्ठ पत्रकार निष्पक्ष, ठीक। और जो बात मैंने कहा उसका जवाब ना आलोक बस दे सकते ना आनंद दुबे दे सकते, मिनट्स जारी नहीं। क्या मिनट्स में सर्वधर्म संभाव प्रार्थना, सभी धर्मों के प्रार्थना की कहीं भी जिक्र है? अरे कहीं वो शामिल है, लिखा हुई ना, तब आपको प्रसन्न होना चाहिए, पर काय को लड़ाई? नहीं शामिल हुआ, मिनट में था, जब हम कह रहे मिनट में था नहीं था, हुआ ना, परफॉर्म हुआ ना, ऑल पार्टी और ये जब ये सवाल खड़ा हुआ, जब ये सवाल खड़ा होने लगा, उसके बाद इस तरीके का कार्यक्रमों का आयोजन किया, बढ़िया, कम से कम शामिल किया गया कार्यक्रम, इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद देश की सरकार का। लेकिन मिलर्स जब जारी हुए तो उसमें इन कार्यक्रमों को शामिल नहीं। और लोकतंत्र राजतंत्र की जो परिभाषा है, इस लोकतंत्र में राजतंत्र वो है जहां विपक्षी दलों की आवाज को कुचला जाए, जहां आम आदमी अपनी आवाज उठाए तो उसको कुचला जाए। मैंने कहा ना कल दिल्ली की घटना क्या हुआ, क्या इस देश के अंदर वो बेटियां अपनी बात नहीं कर सकती जो देश को गौरवान्वित करने का काम की, देश के लिए मेडल लाने का काम की, उनकी आवाज को दिल्ली पुलिस कुचल रही है और करिए हम धरना भी नहीं देने देंगे, यही लोकतंत्र है, इसी को राजतंत्र कहते हैं, यही राजतंत्र। नहीं वो बता रहे थे पिता के बाद बेटा कुर्सी पर बैठे इसको राजतंत्र कहते हैं, पिता के बाद बेटा बैठे, बेटे के बाद भतीजा बैठे उसको राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र है अच्छा विरोधियों की आवाज दबाई जाए, ठीक, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां अपनी आवाज ठीक देश के अंदर मैं ठीक ठीक कितनी दीदी आगे बात, अब मैं भाजपा के पास चलूंगा, आलोक बस अभी नहीं आऊंगा, रुक जाइए कितनी दीदी रुक जाइए। एक बात दिल्ली पुलिस की का वक्तव्य मुझे अभी मैं देख रहा था, जिसमें उसने कहा कि जंतर मंतर पर
धरने की अनुमति नहीं होगी, बाकी किसी भी स्थान पर धरने की अनुमति मांगेंगे धरना देने के इच्छुक लोग, तो दिल्ली पुलिस वहां उनको धरना देने की अनुमति देगी। ठीक, इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि धरना भी नहीं दिया देने दिया जा रहा कहीं पर, लेकिन धरना कहां पर होगा वो तो देखना पड़ेगा। उत्तर मंत्र धरने के लिए ही घोषणा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा धरने के लिए यार, क्या लिखा ऐसा? हाँ लिखा ऐसा कि जंतर मंतर धरने के लिए, कल आप कहोगे पार्लियामेंट धरने के लिए, नहीं जंतर मंतर पे कितने समय से धरने होते हैं। अरे भाई चल रहा था, आप चल गया ना, लेकिन जब नहीं चलना है तो नहीं चलना है, फिर आप दूसरी जगह ले लो, क्या दिक्कत है? आपको तो धरना ही देना है, आप लाल किले में धरना देंगे क्या? कहीं भी धरना दे सकते हैं, चलेगा दूसरी जगह अलाउट होगा। इसमें कोई समस्या नहीं, मुझे लगता है इसमें समस्या होनी भी नहीं चाहिए, और लोकतंत्र तो हमने सबका देखा दोस्त, क्या 16.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर गया था, अखिलेश बाबू की सरकार थी, क्या मिलने से इनकार कर दिया उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी, क्या एक मंत्री मेरे शो में आए, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमने कहा आप मिलवा दोगे, चुप पीछे हट गए। लोकतंत्र सब हमने देखा है भाई। खैर आनंद दुबे जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की जगह राजतंत्र लाना चाह रही है। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि आ ही गया, कुछ कह रहे लाना चाह रहे, मतलब फ्यूचर टेंस में राहुल गांधी का, पास्ट टेंस में मतलब आ गया, उन्होंने कहा कि राज्याभिषेक हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसको, उससे परिवार तंत्र को खतरा हो गया, परिवार तंत्र जो चल रहा है उससे खतरा हो गया। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार, मायावती जी का परिवार, आप आगे अजीत जी का परिवार, चौधरी अजीत सिंह जी का परिवार, पंजाब में बादल परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, मैंने आप पूरे देश में परिवार कहीं ना कहीं परिवार ही परिवार, और इन्हीं सब परिवार का परिवार लोकतंत्र खतरे में, लगातार सारे परिवारों को लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, और एक शेर है कि वतन को कुछ नहीं खतरा, सियासत दा है खतरे में, न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में जी। तो ये खतरे में इनका अपना वजूद आ गया, इनका अपना अस्तित्व आ गया, इसीलिए ये बेचैन है, परेशान है और मारे मारे फिर रहे। जनता की अदालत में जानते हैं, जनता हर बार खारिज कर देती है। अच्छा, जहां ये जीत, अभी राहुल गांधी जी अभी विदेश में जाके कह रहे थे कि भारत में सब खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया है, वहां पे कुछ नहीं बचा है। अब उनसे पूछिए कर्नाटक चुनाव जीतने के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा करिए, प्रधानमंत्री विदेश में कहा कि भारत में पैदा हो के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कीर्ति निधि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए, प्रधानमंत्री का सुनिए कि भारत में पैदा होने पर उनको शर्माती है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों को काम नहीं करना है। निधि पांडे नहीं देखते देश के बाहर, अखिलेश यादव जी का पुत्र बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कीर्ति निधि पांडे बनेगा, मुलायम सिंह का फायदा मत दिखाई, कभी कभी अपना भी फायदा दिखा करिए। आनंद जी बैठी, ये अंतर है भाजपा में और बाकी पार्टी, आप कैसे बताते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा था भारत में पैदा होना सर्वोच्च है, यह पता नहीं किसको अधिकार होता है, यहाँ कर्म भारत का अधिकार होता है, यहाँ सेवा समूह का अधिकार होता है, यहाँ व्यवहार से कार्य कुशलता का अधिकार होता है। कीर्ति निधि पांडे जी, आप यहाँ पर बैठ के डिबेट करते रह जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकती है। ये जो मैं कहा उसका जवाब नहीं है, जवाब दीजिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, लगातार पूछा तक धरती पे पड़ने से कि मुझे पैदा होना शर्म की बात, कि जब मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार होता था तो नवरात्रि का भंडारा क्यों नहीं कराया अखिलेश यादव ने, नवरात्रि भी होता क्यों नहीं कराया, भंडारा बंटवारा नहीं हुंडा था, जो आप कर रहे हैं पर क्यों नहीं लगाया, तो नफरत की पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, समाजवादी पार्टी ने करके इस पर क्यों नहीं लगवाया बताइए ना, केवल नसीहत में क्या बात है, आप इफ्तार देंगे वो भी सरकारी खाते पे और बाकी धर्म का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ आप धर्म की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार फोटो दिखाइए मुझे, इसी भी कार्यालय में अखिलेश यादव जी के सब में बुलाओ, यादव जी के सब में
समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती, नफरत की राजनीति का फायदा सिर्फ भारतीय जनता, नफरत की राजनीति आप करते हैं, सबकी साफ राजनीति आप करते हैं, पुष्कर की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, आरक्षण बचाने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की बात करती है, अलावा का काम कर रही है। अगर अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास में कोई भी धार्मिक आयोजन किया, किसी भी धर्म से जुड़ा, मुझे बताइए, भगवान से हिंदू से सिख से पड़ोसी फाइव केडी में मंदिर बनवाने का काम अखिलेश यादव ने किया, जिसको आपके मुख्यमंत्री ने गंगा जल से धोवाने का काम किया, तुष्टिकरण करने वाले कितनी जाति के व्यक्ति ने उस मंदिर को बनवाया, उस दंगाइयों को धोवाने का काम करने वाले। एक मिनट कीर्ति जी, एक मिनट आनंद जी, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, ठीक है।